Good afternoon, everyone. This is Kunal Shah from Nirmal Bang Security Private Limited. We are doing today's webinar with a lot of volatility expected this week, and a lot of data points are there lined up and going to create big swings in commodity markets. So first, let us focus on what is there in this week. So we have Mr. Powell's speech tomorrow and day after tomorrow, Tuesday and Wednesday. That is going to create volatility. And on Friday, we have a job report, that is non-farm payroll report. So ideally, that should have come on last Friday, but it didn't. It has got postponed, and that is on coming Friday. So these are the two major events. Today, we have factory orders data. I don't think so that is going to cause a lot of volatility in the market. Last week, so I'll just brief it in Hindi. ये हफ्ते दो मेजर इवेंट है. पावेल साहब कल और वेनसडे को अपनी स्पीच देने वाले हैं, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने जो ओवरऑल गोल्ड और सिल्वर में एक अपसाइड देखी थोड़ी बहुत, वो इसके कारण देखी बिकॉज फ्यू फेडरल रिजर्व मेंबर सेड दैट वी आर, वो लोग जो ब्याज दर है वो ज्यादा नहीं बढ़ाए गए, और उसके बाद डॉलर इंडेक्स 105.40 से 104.40 हो गया, और कॉमिक्स में गोल्ड 1830 वाला $1860 हो गया आज. सो उसके कारण एक तेजी का एक माहौल देखा, पर इंडिया में रुपी अप्रिशिएट हो गया फ्रॉम 83 टू ऑलमोस्ट 81.80 से. तो ऑलमोस्ट एक रुपया 10 पैसा 15 पैसा रुपी अप्रिशिएट होने के कारण इंडिया में हमको कोई अपसाइड देखने नहीं मिली. सो ये हफ्ते में अगर पावेल साहब ऐसा कहते हैं कि नहीं हम ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएंगे, देन अगेन दिस रैली कैन कंटिन्यू. एंड अगेन इफ ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आता है जिसमें ऐसा बोला जाता है कि नहीं अभी हम इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, तो गोल्ड सिल्वर पे फिर से रैली. मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी इट इज़ टू अर्ली टू से दैट इंटरेस्ट रेट बढ़ना बंद हो जाएंगे, या जो बैलेंस शीट रिडक्शन है फेड की वो नहीं होगी. सो इट्स टू अर्ली टू से राइट नाउ. सो मेरी राय में हमको एक ही चीज़ देखनी है, ये जो इवेंट है कल और परसों में उसमें हमको आइडिया आ जाएगा. और जॉब मार्केट है यूएस की. सो आई वाज स्पीकिंग टू कपल ऑफ जो हमारे रिलेटिव वगैरह, सो यूएस में जॉब मार्केट इज वेरी 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 स्ट्रांग राइट नाउ. सो देर इज अ शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, तो उसके कारण जॉब मार्केट कमजोर नहीं हो रही है. तो ये लोग इन्फ्लेशन कैसे घटेगा अगर जॉब मार्केट कमजोर नहीं हो रही है, हाउसिंग मार्केट कमजोर नहीं हो रही है, तो इंटरेस्ट रेट कैसे बनेंगे. सो अभी आई एम कमिंग टू द मेन पॉइंट, गोल्ड में क्या करना है. सो गोल्ड में मेरे हिसाब से मैक्सिमम यहाँ से 10 से 15 डॉलर की अपसाइड आ सकती है. सो एमसीएक्स पे 200-300 रुपए की अपसाइड मैक्सिमम आ सकती है, वहां से सेलिंग करना है. सो इफ यू कैन नॉट, इफ यू डोंट वॉन्ट टू वेट, यू कैन शॉर्ट इट राइट नाउ. 200-300 रुपया ऊपर बढ़ता है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप अभी कर सकते हो. पर मेरी राय में एक छोटा सा स्पॉट देखने मिल सकता है, तो तब गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी सेलिंग करनी चाहिए. सो इंट्राडे के लिहाज से गोल्ड ऊपर जा सकता है आज अराउंड, अभी फिलहाल जो रेट चल रहा है वो हिसाब से अगर देखेंगे, सो मेरी राय में अराउंड 56,100 तक गोल्ड जा सकता है. दैट्स इट फॉर इंट्राडे. इंट्राडे में थोड़ा बाइंग है. मेटल्स मेरा ध्यान मंदी है, और आई विल रीट्राइट वो मंदी कंटिन्यू रहेगा. सो मेटल्स में अगेन जिंक 269 सेल, 265 टारगेट. कॉपर 756 सेल. मैंने आपको लास्ट हफ्ते भी कॉपर सेल कहा था ऊपरी स्तरों पे 775 के आसपास. आज भी मैं कह रहा हूँ अभी भी 2-3 रुपया बढ़ता है सेल कीजिए. चाइना ने आज अपनी जो वीकेंड में जो उनकी मीटिंग थी उसमें इकोनॉमी का जो ग्रोथ सेट किया है वो 5%. सो सबको एक्सपेक्टेड था चाइना विल कम अप विद सम एग्रेसिव नंबर्स 6-7% ग्रोथ, पर वो दे आर नॉट डूइंग दैट. दे आर हैप्पी विद स्लो एंड कंजर्वेटिव ग्रोथ. तो ऐसे हालत में मेटल्स में भी तेजी नहीं होनी चाहिए. 50% ऑफ द कंजम्पशन टेक्स प्लेस इन चाइना. सो कॉपर में थोड़ा बहुत 2-3 रुपये का उछाल आता है, वहाँ पर आप बेच के काम कीजिए. जिंक भी सेम वे. सो ये हो गया कॉपर और जिंक. क्रूड में जो यूएई ने स्टेट यूएई की ओर से जैसी जो बातें आ रही थी कि दे मे लीव ओपेक, सो दैट इज कम्प्लीटली रूल्ड आउट. सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. सो यूएई हैज कंफर्म टुडे दैट मॉर्निंग, दो आर जस्ट र्यूमर्स.
सो उसके चलते हुए थोड़ी सी अपसाइड कच्चे तेल में आएगी, 65-30 टू 65-40, 64-70 पे बाई कीजिए, 64-20 का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर में 65-40 तक के लेवल आते हैं वहां पे प्रॉफिट बुक कीजिए। नेचुरल गैस 240 का टारगेट हमारा आ गया और उसके बाद आज 9% नीचे खुला है। सो अगेन आई कीप सेइंग टू एवरीवन अवॉइड दिस कमोडिटी। नेचुरल गैस में 9 महीने का टारगेट तो छोड़ो रमेश जी, 9 दिन का टारगेट बोलना भी मुश्किल है। सो नॉट आई विल नॉट रिकमेंड एनी स्ट्रेटेजी इन नेचुरल गैस। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्वेश्चन आंसर्स। एवरी वन विशिंग हैप्पी होली टू एवरी वन हु इज अटेंडिंग दिस वेबिनार। फ्रॉम आवर साइड ऑल्सो विशिंग यू ऑल वेरी हैप्पी होली। सेकेंड क्वेश्चन इज गोल्ड और सिल्वर। सो जैसे मैंने कहा अरन जी, गोल्ड और सिल्वर में इंट्राडे में थोड़ा बहुत बाइंग आएगा, बट मैं बहुत ज्यादा तेजी में नियर टर्म में नहीं हूँ, लॉन्ग टर्म में मेरा ध्यान तेजी है। नियर टर्म में मुझे लग रहा है कि फेड के जो स्टेटमेंट है वो डिसाइड करेगी गोल्ड का ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री, और कल और परसों में जो स्टेटमेंट आएंगे उसमें कोई भी स्टेटमेंट आया कि नहीं हम और भी एग्रेसिव हो गए, इन्फ्लेशन टू हाई, सो फिर से गोल्ड में थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने मिलेगा। पर ऐसा लग रहा है $1,800 का बॉटम हो गया है गोल्ड का, 1,800 के नीचे जाना मुश्किल है। सो लेट अस वेट एंड वॉच। सिल्वर 3 मंथ्स टारगेट आई थिंक अगेन 65-66,000, फिर से एक बार सिल्वर जाएगा 3 महीने में। नेचुरल गैस 9 महीने का टारगेट, नो आइडिया। सिल्वर और गोल्ड पे क्या करें, सिल्वर और इस मंथ का आउटलुक, सेलन राइस का आउटलुक है पलक जी ये मंथ में गोल्ड और सिल्वर का, बहुत ज्यादा तेजी होने के चांस कम है। सो ओवरऑल कुछ ग्रेट मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, सिर्फ मेटल्स एग्रेसिवली मेरी साइड से सेलिंग है, दैट्स इट। आई थिंक आई हैव एड्रेस्ड ऑल द क्वेश्चंस। अगेन विशिंग यू ऑल वेरी हैप्पी होली। थैंक यू वेरी मच। Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.